जय जोहार बच्चों। बच्चों मुझे ज़रा ये बताइए कि आपके दादाजी, आपके पिताजी, आपके चाचा जी क्या क्या काम करते हैं? हाँ, आपके दादाजी खेतों में काम करते हैं यानी कृषक हैं, और आपके चाचा जी कपड़े सिलते हैं यानी दर्जी हैं, और आपके पिताजी मिठाई बनाते हैं यानी वो हलवाई हैं। तो बच्चों ये सब हुए इनके काम धंधे। आज हम पार्ट 20 हमारे काम धंधे को समझते हैं। पार्ट शुरू करने से पहले बच्चों आओ तुम्हें एक कविता सुनाऊं। कपड़े सिलते तन ढकने को वे दर्जी कहलाते, लड्डू पेड़ा खूब बनाते वे हलवाई कहलाते, सुंदर सुंदर गहने गढ़ते वो सुनार कहलाते, गीली मिट्टी लेकर आते जो चाक चलाते, घड़े खिलौने आदि बनाते वे कुम्हार कहलाते, लकड़ी के जो वस्तु बनाते बढ़ई वे कहलाते, लोहे के जो औजार बनाते वे लोहार कहलाते। तो बच्चों इस कविता में तरह तरह के काम धंधे और उन काम करने वालों को क्या कहते हैं वो दिया हुआ है। तो आओ हम इनके काम को और अच्छे से समझते हैं। तो बच्चों त्योहारों में, उत्सवों में आपके कपड़े कौन सिलता है? हाँ, दर्जी। तभी तो आप सुंदर सुंदर फ्रॉक, पैंट शर्ट, कुर्ता पहनते हो ना? बच्चों इस तालिका को देखो, कपड़े की सिलाई कौन करता है? दर्जी। और सिलाई के लिए वो क्या उपयोग करता है? सिलाई मशीन, कैंची, सुई धागा, टेप आदि। बच्चों लड्डू पेड़ा मिठाई खाना किसे पसंद नहीं है, पर इन सब चीज़ों को बनाता कौन है? हाँ, हलवाई। तो हलवाई इन सब चीज़ों को बनाने के लिए क्या क्या उपयोग करता है? बड़ी बड़ी कढ़ाई है ना, और मिट्टी के चूल्हे, कलछी, तलने के लिए झारा आदि। अब बच्चों हम जानते हैं सुनार के बारे में। सोने और चांदी से सुंदर सुंदर गहने गढ़ने का काम कौन करता है? सुनार। और सुनार इन गहने को बनाने के लिए क्या क्या औजार उपयोग करता है? देखो तो ज़रा, छोटी हथौड़ी, चिमटी, प्लास, फूकनी आदि। बच्चों बचपन में आपने तरह तरह के मिट्टी के खिलौने से तो खेला ही होगा, और ये मिट्टी के खिलौने और बर्तन कौन बनाता है? हाँ, कुम्हार। जो मिट्टी के बर्तन बनाता है उन्हें हम कुम्हार कहते हैं। इसी तरह से बच्चों आपके घर में लकड़ी के बहुत सारे सामान होंगे, जैसे लकड़ी से बने खिड़की, दरवाजे, अलमारी, पलंग, टेबल, कुर्सी, है ना? तो ये लकड़ी के सामान कौन बनाता है जानते हो बच्चों? लकड़ी के सामान बढ़ई बनाता है। और इन सामानों को बनाने के लिए बढ़ई किन किन औजारों का उपयोग करता है? आरी, कील, रंदा, हथौड़ा आदि। ऐसे ही बच्चों जो लोहे के वस्तुएं और औजार बनाता है उन्हें हम कहते हैं लोहा। बच्चों लोहा बहुत मजबूत धातु है, तो उसके औजार भला कैसे बनते होंगे? लोहार लोहे को भट्टी में तेज आंच पर गर्म करता है, और जब लोहा लाल गर्म हो जाता है तो लोहार उसे हथौड़े से पीट पीट के तरह तरह के औजार बनाता है। और लोहार के औजारों के नाम क्या हैं? हथौड़ा, चिमटा आदि। और इसी तरह बच्चों हमारे और आपके आसपास और भी कई तरह के काम करने वाले लोग रहते हैं, जैसे धोबी। धोबी हमारे कपड़े धोने का कार्य करता है, डॉक्टर मरीजों का इलाज करता है, और शिक्षक हमें पढ़ाते हैं, किसान खेतों में हमारे लिए अनाज बोता है यानी कृषि कार्य करता है, इसी तरह से बुनकर हमारे लिए कपड़ा बिनने का कार्य करते हैं, मोची हमारे जूते, चप्पल, बेल्ट, बैग आदि की मरम्मत करते हैं, नाई हमारे बाल काटते हैं। ऐसे ही बच्चों आप
और भी काम करने वाले लोगों के नाम ढूंढेंगे। अब बच्चों, बचपन में आपने तरह तरह के मिट्टी के खिलौने तो बनाए ही होंगे और कई पूजा और त्योहारों में मिट्टी के खिलौने और मूर्तियाँ आपने देखी ही होंगी। तो मिट्टी के बर्तन कौन बनाता है बच्चों? कुम्हार। तो आओ, कुम्हार मिट्टी के वस्तुएं कैसे बनाता है उसको हम जानते हैं। सबसे पहले कुम्हार चिकनी मिट्टी खोद कर लाता है। चिकनी मिट्टी कैसी होती है बच्चों? एकदम महीन सी होती है, जिसमें रेत और कंकड़ के कण नहीं होते। और लाने के बाद कुम्हार उसको छानता है ताकि कुछ कण हो बड़े बड़े तो वो निकल जाएं। फिर इस मिट्टी को पानी में भिगाकर रखते हैं और बाद में इन्हें अच्छे से मिलाकर मिट्टी को तैयार किया जाता है। इस तैयार मिट्टी को कुम्हार फिर चाक के ऊपर रखकर तरह तरह के वस्तुएं गढ़ता है। तो कुम्हार का औजार क्या हुआ? चाक। और इन गढ़े हुए बर्तनों को पहले धूप में सुखाते हैं। बच्चों, ये बर्तन इतने मजबूत नहीं होते, अगर हम इसमें पानी डालेंगे तो ये टूट जाएंगे। तो इन्हें मजबूत करने के लिए कुम्हार इनको आग में भट्टी में रखकर पकाता है ताकि वस्तुएं मजबूत हो जाएं। फिर उन्हें निकालकर ठंडा किया जाता है। ठंडा होने के बाद उसमें रंग लगाया जाता है और फिर बाजारों में उन्हें बेचा जाता है। बच्चों, आपके लिए एक प्रश्न है। मिट्टी के घड़े और पीतल के घड़े में रखे पानी में से कौन सा पानी ज़्यादा ठंडा होगा और क्यों? क्या आप बता सकते हो? चलो मैं बताती हूँ। मिट्टी से बने बर्तनों में छोटे छोटे से छेद होते हैं जिनसे होकर पानी बाहर की तरफ आता है और बाहर की गर्मी के कारण वो भाप बन के उड़ जाता है। ऐसा होने से घड़े के अंदर का तापमान कम हो जाता है और इसके कारण अंदर का पानी ठंडा होता है। तो समझ गया ना बच्चों कि मिट्टी के घड़े का पानी कैसे ठंडा रहता है? अब हम देखते हैं बढ़ई के औजार। बढ़ई क्या करता है बच्चों? हाँ, लकड़ी का काम। तो आपको मैं बताती हूँ कि लकड़ी को काटने के लिए बढ़ई कौन से औजार का उपयोग करता है? कुल्हाड़ी। और आजकल बिजली के आरी भी आ गई है। बच्चों, लकड़ी को चीरने के लिए बढ़ई किस औजार का उपयोग करता है? उसे हम आरी कहते हैं। तरह तरह की आरियाँ होती हैं, छोटी बड़ी। वैसे ही लकड़ी को चिकना करने के लिए बढ़ई जिस औजार का उपयोग करता है उसे हम कहते हैं रंदा। इसके बाद लकड़ी में छेद करने के लिए तरह तरह के औजार आते हैं जिसको हम ड्रिल मशीन कहते हैं। छिलने के लिए बच्चों तरह तरह के छोटे बड़े छिलने वाले औजार भी आते हैं। और लकड़ियों को जोड़ने के लिए बढ़ई क्या उपयोग करता है? कील या स्क्रू। तो बच्चों, इस तालिका में देखो कि लकड़ी का काम कौन करता है? बढ़ई। और ये काम करने के लिए बढ़ई किन किन औजारों का उपयोग करता है?
आरी, कील, रंदा, हथौड़ा आदि। तो बच्चों, इस पाठ से हमने क्या क्या सीखा? हमने तरह तरह के काम धंधों को जाना, उन काम को करने वाले कारीगरों को क्या कहते हैं ये जाना, वो कारीगर कौन कौन सी वस्तुएं बनाते हैं ये जाना, और उसको बनाने के लिए कारीगर किन किन औजारों का उपयोग करते हैं हमने ये भी जाना, और साथ ही कारीगर के काम के कार्यविधि को भी समझा। तो बच्चों, अभी तक आपकी जो समझ बनी है उसके आधार पर आओ कुछ अभ्यास प्रश्न करते हैं। यहाँ पे आपको एक तालिका दी हुई है, इसमें 3 खंड बने हैं। पहले में काम धंधे, दूसरे में नाम और तीसरे में आधार लिखा है। तो काम धंधे में आपको 4 नाम दिए हुए हैं। इन नामों में एक नाम जो है वो इस समूह से मेल नहीं खाता, आपको उस काम को चुनकर दूसरे वाले नाम वाले खंड में लिखना है। और वो मेल क्यों नहीं खा रहा, उसका आधार आपको तीसरे वाले खंड यानी आधार वाले खंड में लिखना है। तो बच्चों, और शुरू करते हैं। पहले खंड में लिखा है हल, खुरपी, सुई और फावड़ा, इनमें से कौन मेल नहीं खा रहा, बताओ तो ज़रा। हाँ, सुई, क्योंकि हल, खुरपी और फावड़ा किसान के औजार हैं, परंतु सुई दर्जी के औजार हैं। आओ दूसरा वाला देखते हैं। उस्तरा, कैंची, आरी और कंघी, इन चारों में कौन मेल नहीं खा रहा, हाँ आरी, क्योंकि उस्तरा, कैंची और कंघी नाई द्वारा उपयोग किए जाते हैं और आरी बढ़ई का औजार है। आओ तीसरा वाला देखते हैं। तीसरे खंड में दिया है हथौड़ी, घन, धुम्मस और पेचकस, इसमें से कौन मेल नहीं खा रहा, पेचकस, बिल्कुल सही, क्योंकि हथौड़ी, घन, धुम्मस राजमिस्त्री जो घर बनाते हैं वो उपयोग करते हैं, जबकि पेचकस बिजली मिस्त्री और बढ़ाई दोनों उपयोग करते हैं। चौथे नंबर पे बच्चों दिया है कुदाली, आरी, कुल्हाड़ी और हसिया, इनमें से कौन मेल नहीं खा रहा बच्चों, हसिया, क्यों, क्योंकि कुदाली, आरी और कुल्हाड़ी बढ़ई उपयोग करता है जबकि हसिया किसान उपयोग करते हैं। बच्चों, अब आपके लिए है कुछ गृह कार्य, आपको कुछ प्रमुख काम धंधों के नाम लिखने हैं। यहाँ पे चित्र दिया हुआ है, उसमें एक फूल बना हुआ है, फूल की हर पंखुड़ी पे आप एक एक काम धंधे के नाम लिखेंगे और ऐसे ही आप और चित्र बना सकते हैं। दूसरा है बच्चों, आपके पुस्तक के पृष्ठ क्रमांक 79, 80 और 81 में कुछ प्रश्न दिए हुए हैं, इनका उत्तर आप पाठ पुस्तक में ही दिए खाली स्थान पर लिखेंगे। अगला प्रश्न है बच्चों, आप बढ़ई, लोहार, दर्जी, हलवाई या ऐसे ही किन्हीं कारीगर के यहाँ जाएं और उनके द्वारा उपयोग किए जाने वाले औजारों और बनाई हुई वस्तुओं का अवलोकन कर अपनी नोटबुक में लिखेंगे। तो बच्चों, आज हमने ये जाना कि समाज में सभी व्यक्ति अलग अलग काम करते हैं और ये सब हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं। हम किसी न किसी तरह इन सब पे निर्भर हैं और किसी का काम भी छोटा नहीं है। बच्चों, छोटे छोटे कार्य करने वालों का भी उतना ही महत्व है जितना बड़े कार्य करने वालों का। तो बच्चों, आज बस इतना ही। जय छत्तीसगढ़।